वेलकम बैक टूवर्ड्स साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कोई भी पार्टिकल यदि सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन में है तो क्या वहां पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व होती है। यस, कोई भी पार्टिकल यदि सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन में है तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, कंजर्व्ड होगी, और हमें ये प्रूफ करना है। ओके, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, इस टॉपिक से पहले क्वेश्चन राइट डाउन करिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आपको एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन पर डिस्कस करना है। एंड डेराइव द कैप्लर्स लॉ फॉर द मोशन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के मोशन के लिए कैप्लर सेकंड लॉ को यहां पर डेराइव करना है बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टारगेट इज कि सबसे पहले आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रूफ करना है कि कोई भी पार्टिकल का मोशन यदि सेंट्रल फोर्स के अंडर है तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। एंड सेकंड इज इस कॉन्सेप्ट को यूज में लेके आपको कैप्लर सेकंड लॉ डेराइव करना है। क्वेश्चन समझ आया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहां से। ओके, छोटा सा डेरिवेशन है बट यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर की बात कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डेराइव कर लिया था इक्वेशन ऑफ मोशंस कि कोई भी पार्टिकल का मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स है तो वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकल के आ रही थी। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ रही थी एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस माइनस आर d थीटा बाय dt का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ आर। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज m m r d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2 dr बाय dt d थीटा बाय dt इक्वल टू 0। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने ये दोनों इक्वेशंस डेराइव कर ली थी और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट भी है। 1.5 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ लेता है तो दोनों इक्वेशन आपको लिखनी है, और डेराइव करने के लिए पूछ लेता है तो कंप्लीट इसका डेरिवेशन आपको सिंप्लीफाई करना है। अभी तक ये लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो पहले ये लेक्चर अटेंड करना, बिकॉज आगे जितने भी डेरिवेशन हैं उनमें हम ये इक्वेशंस डायरेक्ट यूज में लेने वाले हैं। ओके, तो इसका कंप्लीट डेरिवेशन मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में। ओके, तो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में आप ये लेक्चर पहले अटेंड करना, उसके बाद आप नेक्स्ट जो आगे वाले लेक्चर्स हैं उनको अटेंड करना, बिकॉज हम वहां पे डेरिवेशन की स्टार्टिंग डायरेक्ट इन इक्वेशन से करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को भी आप राइट डाउन कर लीजिए कि इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारे पास क्या क्या निकल के आती है, दिस एंड दिस। ओके, करें स्टार्ट टॉपिक आज का। आज का टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि कोई भी पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन में है तो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉलो करता है। कर दूं मैं इसको इरेज, ठीक है, दोनों वापस बोल रही हूं, दोनों को याद भी कर लेना अच्छे से, बिकॉज आगे वाले जितने भी डेरिवेशन है डायरेक्ट यूज में लेंगे इसको। ठीक है, करो स्टार्ट, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन ही हम यहाँ पे यूज में लेंगे। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें प्रूफ करना है तो हम इसकी स्टार्टिंग कहां से करेंगे। अभी तक हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस को, हम डेराइव कर चुके हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास यहाँ पे आती क्या है, कौन सी वाली में यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज में ले रही हूँ, सेकेंड वाली। एंड द सेकेंड इज एम एम डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टू डी आर बाय डी टी एंड डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू 0, और यहां पे क्या आता है, आर भी आता है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, एम आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टू डी आर बाय डी टी डी थीटा बाय डी टी एंड दिस इज इक्वेशन 1। ये है क्या इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, यदि वो पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन में है तो फिर वहां इक्वेशन ऑफ मोशन ये निकल के आती है। द फर्स्ट स्टेप इज हमें इस इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय, दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय आर। ओके, करो, यदि हम इसको आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सप्रेशन क्या रहेगा, एम आर स्क्वायर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टू आर डी आर बाय डी टी ओके एंड डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू 0। जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो क्या आता है, 0 आता है। ओके, सो नाउ अब इसको मैं मॉडिफाई कर रही हूं, इसको मॉडिफाई किस तरह से कर रहे हैं एक बार देखना चाहिए, क्या मैं इसको लिख सकती हूं, डी बाय डी टी एम आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू 0, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, करके देख लेते हैं। इसका आप यदि डिफ्रेंशिएशन करते हो तो क्या यही वैल्यू आती है, करके देख लो एक बार, इसको करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, d बाय डी टी
करो एम आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी का इक्वल टू जीरो करो। एम इज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करो एम, एम इज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, फर्स्ट सेकंड से हो जाएगा ना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड कॉन्स्टेंट, फर्स्ट कितना है आपके पास आर स्क्वायर, तो आर का आप करोगे तो कितना आएगा, देखो आर का करोगे तो कितना आएगा 2R, ये रहा 2R, ठीक है, आर का रेस्पेक्ट में कर रहे हो टी के, तो यहाँ पे क्या आएगा डी आर बाय डी टी, तो फर्स्ट आर स्क्वायर का हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लिया, सेकंड इज कॉन्स्टेंट इट मीन डी थीटा बाय डी टी इज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, कोई डाउट नहीं है, ओके। सेकंड इज प्लस प्लस फर्स्ट कॉन्स्टेंट, ये रहा फर्स्ट कॉन्स्टेंट, सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो कर दो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, क्या ये और ये सेम है, देखो एक बार एम एम, ठीक है, आर स्क्वायर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर ये रहा, प्लस टू आर डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी ये रहा, इट मीन आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, बिकॉज हमने डिफरेंशिएशन करके देखा तो हमारे पास यही वैल्यू आ रही है, ओके। सो एक बार स्नैपशॉट ले लो, क्योंकि मैं ये इरेज कर रही हूं, उसके बाद इसी को नीचे सिंप्लीफाई कर दूंगी, ठीक है, तो स्नैपशॉट ले लो आप। अब देखो यदि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, किस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है बताओ आप, किस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, वो वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट। यू कैन से एम आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू कांस्टेंट, बोल सकते हैं ना, बिकॉज कांस्टेंट का यदि आप डिफरेंशिएशन करते हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है, और ये है क्या आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एंड डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, एंड ओमेगा होता क्या है एंगुलर वेलोसिटी होता है ना, ठीक है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं आई ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और आई ओमेगा क्या होता है जे, तो आपके पास जे की वैल्यू क्या आ रही है कॉन्स्टेंट, सो यू कैन से इफ अ पार्टिकल इज अंडर मोशन ऑफ सेंट्रल फोर्स तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी कंजर्वड होगी, ठीक है, तो ये रहा एक छोटा सा डेरिवेशन कि कोई भी पार्टिकल का मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स है तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा ही होगा, ठीक है, सो लिख लो आप ये भी, दस द एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व फॉर ए रोटेटिंग बॉडी या रोटेटिंग पार्टिकल इन ए सेंट्रल फोर्स, ओके। आगे बढ़े, इसके बाद हमें क्या प्रूव करना था कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यूज में लेके कैप्लर सेकंड लॉ डेराइव करना है आपको, क्या कैप्लर सेकंड लॉ डेराइव करना है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, इस इक्वेशन को हम आगे यूज में लेने वाले हैं, ठीक है, तो पहले स्नैपशॉट ले लो या आप लिख लो अच्छे से, इरेज कर दो इसको, स्नैपशॉट ले लो बाद में लिख लेना, ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर रही हूं मैं ऊपर का। नाउ हमें क्या करना है, कैप्लर सेकंड लॉ प्रूफ करना है, तो किस तरह से प्रूफ करेंगे एक बार देखो, इसके आगे लिख लीजिए आप कैप्लर सेकंड लॉ। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डायरेक्ट यूज में लेंगे, बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, ये रही डी बाय डी टी, डी बाय डी टी एम आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू जीरो, ओके, दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन is multiply by 1/2m, हम क्या कर रहे हैं इस इक्वेशन को 1/2m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, करो यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी d by dt, ओके 1/2m, इससे हमने मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, द वैल्यू इज d theta by dt इक्वल टू जीरो को हम 1/2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, ओके जो वैल्यू कट रही है वो कट कैंसिल कर दो, ये कैंसिल, ठीक है, एंड द वैल्यू विल बी डी बाय डी टी 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू जीरो, ओके, एंड यहां से क्या प्रूफ होता है, दिस क्वांटिटी विल बी कॉन्स्टेंट, वाई, बिकॉज इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो वैल्यू कितनी आ रही है जीरो, तो 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी कितना आ रहा है जीरो, और आप इसको क्या बोलते हो एरियल वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको एरियल वेलोसिटी, और दिस शो द कैप्लर सेकंड लॉ, कैप्लर सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एरियल वेलोसिटी की वैल्यू इनवेरियंस होती है फॉर प्लैनेट्स, ओके, तो ये रहा सिंपल सा आंसर, कुछ भी नहीं किया, जस्ट इक्वेशन नंबर 2 को हमने उठाया 1/2 हमसे दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो यहां से रिजल्ट क्या आ रहा है कि जो एरियल वेलोसिटी है वो क्या आ रही है इनवेरियंट आ रही है, एंड दिस इज कैप्लर सेकंड लॉ, ठीक है, सो लिख लीजिए आप इसको, डिफाइन भी कर दीजिए, दिस इज एरियल
एरियल वेलोसिटी. ओके, सो दस द कैपलर सेकेंड लॉ प्रूव्ड. ठीक है, तो इस तरह से यदि कोई पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन में है तो उसका मोशन हमेशा प्लेन में होता है. एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कर ली थी, दो इक्वेशन वहां पे निकल के आ रही थी. थर्ड प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो उस पार्टिकल पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो फॉलो होता है. वो पार्टिकल यदि अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन में है तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा. सिमिलरली वहां पे टोटल एनर्जी की वैल्यू भी कंजर्व होती है. इसको प्रूफ करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू.